Hello, welcome to the online MCQs practice lecture series for NEET JEE GUJCAT. Dear students, currently we are discussing paper solution of GUJCAT 2015. Question number 21. If alpha particle and neutron move with velocity v and 2v respectively, the ratio of their de Broglie wavelength will be blank. तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी है v और दूसरा है न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है? न्यूट्रॉन की वेलोसिटी है 2v. न्यूट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है? 2v. तो ये दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो फाइंड करना है. तो सपोज अल्फा पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ को मैं डिनोट करूं m अल्फा से, न्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ को मैं डिनोट करूं लैम्डा d से. तो अल्फा पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ और वेलोसिटी का क्या रिलेशन मिलेगा? लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम अल्फा वी अल्फा. एम अल्फा इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वी अल्फा इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल. सिमिलरली डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन विल बी एच डिवाइडेड बाय एम डी वी डी. व्हाट इज एम डी? मास ऑफ न्यूट्रॉन. वी डी इज द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन. अब ये दोनों का रेशियो ले लो. तो अगर हम ये दोनों का रेशियो लेंगे तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, एम डी वी डी ऊपर चला जाएगा, एम अल्फा वी अल्फा नीचे आ जाएगा. अब बच्चों अल्फा पार्टिकल का मास न्यूट्रॉन के मास से डबल होता है, दैट इज एम अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस एम डी. और वी डी कितना है? टू वी है. और वी के अल्फा के अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? वी. तो ये सब वैल्यू हम अगर इस इक्वेशन में रख दे, एम अल्फा की जगह पे टू एम डी लिख दे, VD की जगह पे 2V लिखे और V अल्फा की जगह पे V लिखे, तो ये सब कुछ कैंसल हो जाएगा और हमें ये रेशियो मिलेगा 1:1. सो रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन विल बी 1:1. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन एटम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T केल्विन विल बी. तो बच्चों ये जो एटम होता है उसकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है E इज इक्वल टू 3/2 kT. और डी ब्रॉगली वेवलेंथ और एनर्जी का क्या रिलेशन है? दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2ME. अब E की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3/2 kT. तो अगर E की जगह पे मैं 3/2 kT लिख दू तो हमें आंसर मिलेगा एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 MKT. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन एटम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T केल्विन विल बी एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 MKT. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 4000 angstrom, देन द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 mm लेंथ विल बी. तो बच्चों पहले हम ये दोनों को हम SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज वेवलेंथ इज इक्वल टू 4000 angstrom इज इक्वल टू 4000 × 10⁻¹⁰ m, एंड द गिवन लेंथ दैट इज 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ m. अब हमें क्या करना है कि ये जो 1 mm की लेंथ है, 1 mm की लेंथ है, उसमें ये 1 mm की लेंथ है, उसमें हमारे पास जो वेव है, सपोज मान लो कि मेरा वेव ऐसा है और उसकी वेवलेंथ कितनी है? ये वेव की वेवलेंथ है, ये वेव की वेवलेंथ है और ये वेवलेंथ कितनी है? 10⁻³ m, 10⁻³ m. तो ये लेंथ कवर करने के लिए हमें ऐसे कितने वेव्स चाहिए वो फाइंड करना है. तो सिंपल है, ये लेंथ कवर करने के लिए ऐसी इतनी लेंथ वाले कितने वेव चाहिए, तो इस लेंथ को ये लेंथ से डिवाइड कर दो. सो नंबर ऑफ वेव इन गिवन लेंथ L इज इक्वल टू गिवन लेंथ दैट इज L डिवाइडेड बाय वेवलेंथ दैट इज लैम्डा. तो लेंथ कितनी है? 10⁻³ और वेवलेंथ कितनी है? 4000 × 10⁻¹⁰. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2500 waves. सो नंबर ऑफ वेव्स आर 2500. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स रेज, गामा रेज एंड अल्ट्रावायोलेट रेज आर पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली. देन व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रेज? तो बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए. तो बच्चों अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम
द फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रेज इज हाईएस्ट अमॉन्ग दिस थ्री, फिर बाद में एक्सरे की फ्रीक्वेंसी आती है, फिर लास्ट में अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी आती है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? गामा रेज की, और गामा रेज की फ्रीक्वेंसी कितनी है? क्यू, ओके। और फिर बाद में इससे कम किसकी होगी? एक्सरे की, और एक्सरे की फ्रीक्वेंसी कितनी है? पी। सो आई कैन से दैट क्यू इज ग्रेटर देन पी, ओके। और अल्ट्रावायलेट रेज की फ्रीक्वेंसी हम डिनोट करते हैं आर से। तो अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ये दोनों रेज की फ्रीक्वेंसी से कम है, मतलब ये हो सकता है कि Q इज ग्रेटर देन P ग्रेटर देन R। सो Q इज ग्रेटर देन P एंड Q इज ग्रेटर देन R। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। फोटॉन्स हैविंग एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सक्सेसिवली इंसिडेंट ऑन मेटल हैविंग वर्क फंक्शन इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज। तो बच्चों यहां पे हमारे पास एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन फाई कितना है? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उस पे हम दो फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं, एक फोटोन इंसिडेंट किया कितनी एनर्जी का? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन मिला उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं लेट से वी मैक्स से, किससे डिनोट करते हैं? वी मैक्स से। दूसरा फोटोन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इंसिडेंट किया, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इंसिडेंट किया, उससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसकी वेलोसिटी को मैं बोल दूं वी डैश मैक्स। तो वी मैक्स डिवाइडेड बाय वी डैश मैक्स हमें फाइंड करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फोटोन एनर्जी एंड मेटल के वर्क फंक्शन, ये तीनों का रिलेशन वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये तीनों क्वांटिटी के रिलेशन का फॉर्मूला है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? दैट इज E इज इक्वल टू फाइ प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट इज के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है। तो E इज इक्वल टू नथिंग बट एच म्यू, फाइ प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज ए 1/2 एम वी मैक्स स्क्वेयर। तो अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को सब्जेक्ट बनाऊ यहां पे तो ये हो जाएगा 1/2 एम वी मैक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ई माइनस फाइव, ओके। अब हम क्या करेंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटोन की एनर्जी यहां पे इंसिडेंट करेंगे, ओके, और उससे जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सॉरी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वी मैक्स। तो ये वी मैक्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंसिडर करके उसका फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या आता है वो फाइंड करने के। तो पहले केस 1 जिसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस में फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज एनर्जी कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाइव कितना है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स। इसको मैं बोल दू इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस में 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है वी डैश मैक्स। तो इसका यूज करके आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम राइट करेंगे, तो ये हो जाएगा एनर्जी की जगह पे आएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 दैट इज वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 1/2 एम वी डैश स्क्वायर मैक्स। तो इसको मैं बोल दी इक्वेशन नंबर 2। 2.5 माइनस 0.5 क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1/2 एम वी डैश स्क्वायर मैक्स। अब क्या करेंगे, हम ये दोनों का रेशियो ले लेंगे। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 0.5 दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 1/2 एम वी डैश स्क्वायर मैक्स डिवाइड बाय 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 4 हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4, 1/2 कैंसल, mm कैंसल, तो यहां पे क्या बचेगा वी डैश स्क्वायर मैक्स डिवाइड बाय वी स्क्वायर मैक्स। तो अगर वी डैश मैक्स डिवाइड बाय वी मैक्स हमें फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा वी डैश मैक्स डिवाइड बाय वी मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4। तो ये हो जाएगा वी डैश मैक्स डिवाइड बाय वी मैक्स इज इक्वल टू 2, ये स्क्वायर नहीं आएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी मैक्स डिवाइडेड बाय वी डैश मैक्स फाइंड करना है। तो इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा वी मैक्स डिवाइडेड बाय वी डैश मैक्स इज इक्वल टू 1/2 दैट इज 1/2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1/2, ओके। सो बच्चों
आई होप कि आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स स्टॉप हियर. वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चन ऑफ दिस गुजकेट 2015 इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.